चेव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोक प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन सलाकया चक्षूर्ण मिलितम येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम देय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडर मल्ली द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जब लो देव शास्त्र गुरु की कर्म के उदय काल की अवस्था का यह निरूपण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कर्म बंध और सत्ता के पश्चात टोडरमल्ली साहब ने इसको यहां लिया है। कर्म के उदय में क्या होता है और जिनवाणी में कथन किस प्रकार का है और हमें समझना कैसे है ये पूरी बात इस प्रकरण में यहां पर समाहित है। बात सीधी है कि जो कर्म बंधा था और बंधते समय जो स्थिति उसकी गिरी थी तत्पश्चात सत्ता में रहते हुए यदि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। आबाधा काल पूरा होने के पश्चात उसका उदय काल प्रारंभ होता है। उदय काल मतलब कर्म के फल देने का काल प्रारंभ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उदय काल। क्या बोलते हैं मुखिया जी भाई साहब? कर्म के फल देने का कार्य प्रारंभ होता है, लेकिन यह फल मिलता कैसे है इस बात को टोडरमल्ली साहब ने समझाया है कि जब कर्म का उदय काल प्रारंभ होता है तब जीव स्वयं अपनी योग्यता से अल्प विकसित ज्ञान रूप परिणमित करता है। जीव अपनी योग्यता से क्रोधाधिक रूप परिणमित होता है। जीव अपनी योग्यता से अल्प शक्ति रूप परिणमित होता है। बाह्य की सामग्री अपनी योग्यता से आती है जाती है। ऐसा काम स्वयमेव होता है। उस काल में कर्म के परमाणु के बिखरने का काम स्वयमेव होता है। इतनी बात टोडरमल्ली साहब ने पहली पंक्ति में समझा दी। कजाव साहब इसको कहते हैं फल और बहुत सुंदर कहा कि इसको कहते हैं सवि पाक निर्जरा। क्या कही? सवि पाक निर्जरा। मजेदार बात तो यह है कि कर्म सवि पाक निर्जरा में भी कुछ नहीं करता है। यह भी कहा है कर्म कुछ नहीं करता है। कर्म क्या करता है?
कर्म के कर्मत्व पने का नाश हो जाता है, लेकिन उस काल जिस काल में कर्म के कर्मत्व पने का नाश होता है उसी काल में जीव का अल्प विकसित रूप, जीव का मिथ्यात्वादी रूप, जीव का क्रोधादि रूप परिणमन अपनी योग्यता से होता है। वस्तु स्वतंत्रता समझ में आ गई? कैसे होता है मुकेश भाई साहब? स्वयमेव होता है, यह शब्द डाला है स्वयमेव। कर्म करता नहीं है, लेकिन देखो कर्म करता नहीं है तो भी उस निर्जरा को क्या कहा है? सभी पाक निर्जरा। ओ संसारी समस्त जीवों के इस प्रकार की निर्जरा निरंतर चालू है। किस प्रकार की निर्जरा चालू है? सभी पाक निर्जरा। क्या होता है सभी पाक निर्जरा में? कि कर्म का उदय काल में कर्मत्व पने का समापन और उसके फल के अनुसार, उसके रस के अनुसार, उसके अनुभाग के अनुसार बाहर में जीव का और अन्य सामग्री का अपनी योग्यता से मिलना, ये काम स्वयमेव होना, इसको कहते हैं सभी पाक निर्जरा। हाँ जी या ना जी, समझ आया नहीं आया? कठिन तो नहीं हो रही बात है? कठिन तो नहीं हो रही संगल साहब? क्या सभी, और ये सभी पाक निर्जरा किसके है? समस्त संसारी जीवों के है। और इससे लाभ नहीं है, ऐसा भी है, लाभ इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं जा रहा है। निर्जरा हो रही है साथ में बंद हो रहा है। ठीक है, सरल है बात। कैसे कर्म फल देते हैं ये बताओ आप, तो कर्म कैसे फल देते हैं ये समझाओ आप, तो है फल कैसे देते हैं? कि उनका उदय काल प्रारंभ होता है। अभी उदय काल क्या है आपको समझ में थोड़ा सा कठिन पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं बिखरना बिखरना, ये कोई ऐसा नियम नहीं है बिखरने का, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बिखरने का। देखो अपन ने जो कर्म कहा, पुद्गल परमाणुओं के ढेले की एक विशिष्ट अवस्था का नाम कर्म है, ऐसा कहा ना अपन ने। परिभाषा कर्म की क्या है? है ना, पुद्गल परमाणु के एक विशिष्ट अवस्था। ये मान लो मुकेश भाई साहब ढेला है, अनंत परमाणु है, ठीक है, इसकी एक अवस्था को अपन ने नाम दे दिया कर्म। ओके, और ये कर्म कहां है? जहां आत्मा के प्रदेश है वहां पर ये है, एक क्षेत्र अवगा है, ठीक है, जहां आत्मा के प्रदेश है वहां ये है, ठीक है, इसी को कहते हैं बंद, ठीक है। अगर आत्मा के प्रदेश से बाहर हो तो इस अवस्था में कोई दम नहीं हो, तो कारमार वर्गणा का ढेला है, ठीक है, तो ये हो गया बंद। अब उदय में क्या होता है कि ये जो कर्म परमाणु का ढेला है, ठीक है, जितने समय तक इसके निमित्त से बाहर में कुछ एक्टिविटी नहीं देखी जाती वो काल तो हो गया आभाजा काल, और उसके बाद हो गया उदय काल प्रारंभ, उदय काल, ठीक है। अब अपन समझे कि एक कर्म का उदय काल एक वर्ष का है, कितना? एक वर्ष का इसका उदय काल है, अन्य 365 दिन का इसका उदय काल, ठीक है। ओके, अब इसमें परमाणु कितने हैं कर्म के? परमाणु के तो अपन इंटू 1000 कर दो, ठीक है, कितने हो गए आपके? 365000। संख्या बड़ी तो नहीं हो गई? नहीं, वैसे बहुत कम संख्या लिखी है, परमाणु तो होते हैं अनंत, ठीक है, भाई समझाने के लिए आपको लिखी है मैंने, है ना। अगर चाहो तो 1 जीरो और लगाऊंगा तो 3,65,00,000 हो जाएगी, ठीक है, और आप कहोगे तो 1 जीरो लगा देंगे तो 36 करोड़ हो जाएगी, लेकिन आप वो सब संख्या नहीं पकड़ पाओगे, तो इतना अपन ने लिखा है। कितने कर्म का जो ढेला बना था वो कितने परमाणु का ढेला था? 365,000 परमाणुओं का ढेला था। ओके भैया, ठीक है, और उसका उदय काल कितना है? कि बोले 1 वर्ष का, आवादा काल तो समाप्त हो गया, अब 1 वर्ष का। अब 1 वर्ष में, अब मैं एक एक समय की बात नहीं करता हूं, एक एक दिन की बात करता हूं, क्योंकि समय आपके लिए भी फिर कठिन पड़ जाएगा। तो एक दिन में 1000 परमाणु उदय में आते, ठीक है, तो 365 दिन में कितने परमाणु उदय में आएंगे?
365,000 हो जाएंगे 365 दिन में, ठीक है। अब उदय में कैसे आते हैं ये अपने को समझना है। तो उदय में कैसे आते हैं कि इस झेले में जो 365,000 परमाणु थे भैया, उसमें से 1,000 परमाणुओं का जब उदय काल में इसका नंबर आया, इस समय इसके कर्मत्व पने का समापन हो गया। कर्मत्व पने का समापन हो गया मतलब अब उनकी पावर खत्म। अब पावर खत्म हो गई तो ये परमाणु इस झेले में रहे या इस झेले से बाहर निकल जाए उसका कोई फर्क नहीं। अब पावर कैसे खत्म होती है कि इसका उदय काल प्रारंभ है और उस समय बाहर में जीव का अल्प विकसित रूप परिणमन, बाहर में अन्य सामग्री का उसके उस रूप परिणमन, ये स्वयं होता है और इसके 1,000 परमाणु ताकत खत्म। आज 1,000 परमाणु खत्म, कल दूसरे 1,000 खत्म, तीसरे 1,000 खत्म, ऐसे करते 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 एक वर्ष में कितने खत्म हो जाएंगे, 365,000 परमाणु उनकी ताकत। अब ये परमाणु जब इसकी ताकत अनुवाद शक्ति खत्म हो गई, उसके बाद ये इस झेले के रूप में रहे तो कोई फर्क नहीं, बिखर जाए तो कोई फर्क नहीं, आत्मा के प्रदेश के साथ पड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं, आत्मा के प्रदेश के साथ बाहर निकल जाए तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब इसका कर्मत्व पने का नाश हो गया। क्यों? कि अनुवाद शक्ति खत्म हो गई। कुछ बात पकड़ में आ रही, कठिन तो नहीं होगी है? अभी अनुवाद शक्ति खत्म कैसे हुई है ये तो अपने को समझना है कि इसके 1,000 परमाणु की पावर का खत्म होने का काल हो गया, ये तो ओके। उस समय जीव के भाव, यदि घात्या कर्म है तो जीव के भाव अपनी योग्यता से, जीव अपनी स्वयं की योग्यता से अल्प विकसित ज्ञान रूप परिणमित होता है, जीव स्वयं अपनी योग्यता से मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, जीव स्वयं अपनी योग्यता से क्रोधाधिक रूप परिणमित होता है, जीव अपनी योग्यता से अल्पशक्ति रूप परिणमित होता है। ऐसा जीव स्वयं अपनी योग्यता से होता है और उस समय उनकी जो नंबर है ना, एक एक समय में जो जो परमाणु का आना होता है, आकर कर्मत्व पने को समापन करके वो शक्तिविहीन होकर वो अलग हटते जाते हैं। इसको कहते हैं उदय का। सरल है, हाजी है ना जी, समझ गए बात पूरी, बात पकड़ में आ गई, ठीक है। इतनी बात टोरनवली साहब ने इस पैराग्राफ के अंदर समझाई, लेकिन एक बहुत सुंदर बात कही है कि इस प्रकार की निर्जरा को सभी पाक निर्जरा कहते हैं। ये क्या चक्कर है, आपने ये शब्द क्यों डाला, सभी पाक निर्जरा, निर्जरा ही कह देते भाई, ये निर्जरा ही कह देते हैं। क्यों? निर्जरा में होता क्या है कि साहब, निर्जरा में क्या, सभी पाक निर्जरा में भी आप आगे तो ये शब्द डाल रहे हैं कि कर्म स्वयं उस रूप परिणमित होता है उदय काल में, एक, फिर बाहर की सामग्री स्वयं अपनी योग्यता से आती है, कर्म उसको नहीं करता है, इतनी बात कह दी, लेकिन फिर आप पीछे जाके कह रहे हो कि सभी पाक निर्जरा, तो महाराज फिर अविपाक निर्जरा में क्या होता है? जब आपने सभी पाक निर्जरा में इतनी सारी सब बातें कह दी, क्या कह दी, स्वयमेव कर्म का उस रूप परिणमन होना, बाहर की सामग्री का स्वयमेव आना, जीव का अपनी योग्यता रूप है ना स्वयमेव परिणमन होना, कर्म नहीं करते हैं, इतनी बात तो कह दी, और फिर कह दिया कि सभी पाक निर्जरा है, इ, 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 मतलब क्या, फिर तो अविपाक निर्जरा में क्या होता है, अविपाक निर्जरा में क्या होता है भाई, क्या एक दूसरे को करते हैं क्या, कि वहां भी वस्तु की स्वतंत्रता है? लेकिन एक सुंदर बात है, देखो कितना व्यवस्थित लिखा है, इतनी बात कह दी, क्या कह दी, कि कर्म के कर्ता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध वहां फल के अकॉर्डिंग है। मतलब अभी गाड़ी किधर से ड्राइव हो रही है, गाड़ी किधर से ड्राइव हो रही है, नहीं किधर से, कि उधर जो अनुवाद शक्ति कर्म की थी उसके अनुसार बाहर में स्वयमेव वस्तु का मिलना हुआ, जीव का स्वयमेव उस रूप परिणमन हुआ, ये बात हुई कैसे, सभी पाक निर्जरा में। किधर से ड्राइव हो रही गाड़ी, गाड़ी ड्राइव हो रही है टूवर्ड्स कर्म की तरफ से हो रही, लेकिन अविपाक निर्जरा में ऐसा नहीं हो, आई बात समझ में, ठीक है। वो अपन प्रकरण, पहले ये पैराग्राफ पूरा आपको समझ में आए, फिर अपन उसको आगे बढ़ाएंगे, क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है।
चलें अपन पढ़े पैराग्राफ वापस आओ, पेज नंबर अपना 29। अंतिम अंतिम पैराग्राफ है, तीन पंक्तियां हैं, कर्म के उदय को समझा रहे हैं। उदय रूप कर्म की अवस्था, ये बात यहां चल रही है। बंध की अवस्था समझ ली, सत्ता की अवस्था समझ ली, और अब चल रहा है भाई साहब उदय की अवस्था। ठीक है, कर्म का उदय होता है तब क्या होता है, तो यहां क्या लिख रहे हैं टोटल मलिक साहब, स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कार्य तो बनता है, कैसे बनता है कार्य, स्वयमेव बनता है, लेकिन कितना बनता है कि उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार बनता है। क्या लिखा कजाव साहब, कितनी सारी बातें लिख दी, पंक्ति तो एक है, मिल की नहीं मिली पंक्ति, मिली कि नहीं मिली, क्या काम कैसे होता है, स्वयमेव, ठीक है, स्वयमेव मतलब जीव स्वयं क्रोधाधिक रूप परिणमित होता है, बाहर की सामग्री स्वयं अपनी योग्यता से वहां आती है, ये काम स्वयं में होता है, लेकिन कितनी सामग्री आएगी, जीव का जो परिणमन हुआ वो क्या, तो वहां क्या है अनुभाग के अनुसार, के बात समझ में आई, किसके अनुभाग के अनुसार, कर्म के अनुभाग के अनुसार, मतलब इधर अभी ड्राइविंग किधर से चल रही है कि कर्म का तो अनुभाग और बाहर में उस सामग्री का मिलना और जीव का उस रूप अल्प विकसित रूप क्रोधाधिक रूप परिणमन होना, क्योंकि घात्या कर्म का तो निमित्त पड़ता है जीव में और अघात्या का पड़ेगा संयोगों में, आई बात समझ में, तो घात्या और अघात्या दोनों कर्म की बात करें तो घात्या कर्म का जब उदय होगा तो कहां फल पड़ेगा, कहां पड़ेगा जीव में, ठीक है, और अघात्या का जो उदय होगा तब फल कहां पड़ेगा, बाहर की संयोगों में, ठीक है, तो अब जैसे अघात्या कर्म के उदय है तो बाहर की सामग्री का मिलना, तो इधर कर्म का उदय आना और बाहर की सामग्री का स्वयमेव आना, ये काम दोनों अपने आप होता है, लेकिन कितनी सामग्री आएगी, कौन सी आएगी, ये जो है वो कर्म की शक्ति के अनुसार अनुभाग के अनुसार। ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध, बात समझ में आ रही, कठिन तो नहीं होगी आप, है देखो फिर पढ़ता हूं, पंक्ति बहुत सरल है, बराबर समझोगे तो समझ में आएगी, ऐसा कोई इसमें कठिनाई नहीं है। क्या लिखा हुआ है, जब उदय काल आवे, ठीक है, उदय काल तो समझ गए कर्म का फल देने का आवे, तब क्या होता है, स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कार्य कैसे बनता है, स्वयमेव बनता है, अरे कर्म कोई जाता है उस सामग्री को पकड़ के लाता है और नहीं तेरे को यहां रहना है ऐसा नहीं, लेकिन होता ऐसा है कि वो सामग्री स्वयमेव आती है और इधर कर्म का उदय होता है, ये वस्तु स्वतंत्रता है। हाँ जी, हाँ जी या ना जी, समझ में आ गई ने बात, ठीक है, फिर आगे कजावत साहब ये बात कहने के बाद भी टोटल मलिक साहब को ऐसा लगा कि ये बात को नहीं समझ पाएंगे, तो उन्होंने सपोर्टिंग फिर एक पंक्ति लिखी, क्या लिखी सपोर्टिंग पंक्ति, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, ये क्या बात हो गई, भाई पुण्य का उदय है तो बाहर में सामग्री मिली, एक किलो का आभूषण आपके घर आया, किसके उदय से आया, पुण्य के उदय से, वो जो सोना आया पुण्य के उदय से ही आया ना, अब टोटल मलिक साहब कह रहे हैं कि कर्म वो कार्य उत्पन्न नहीं करते, तो कर्म का कार्य क्या है, ये तो बताओ आप महाराज, क्यों कि कर्ता कर्म का जो संबंध है वो कर्म का कार्य तो उस रूप परिणमन होने का ही है, किस रूप, जो एक समय पहले की अवस्था थी और उसके बाद उसकी जो अवस्था में परिणमन हुआ वो ही कर्म का कार्य है, और वो जो स्वर्ण के आभूषण जो उसको पुद्गल का ढेला जो परिणमित होकर आपके इस जगह तक आया वो उस पुद्गल के ढेले का कार्य है, कर्म का कार्य नहीं है, कर्ता कर्म की व्यवस्था नहीं है वहां, कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है, कर्म का क्या कार्य है, कर्म का कार्य वो परिणमित हो रहा है वहां पर, वो उसका कार्य द्रव्यत्व गुण पड़ा है वहां परिणमन चल रहा है,
वो सामग्री, तो सामग्री का कार्य है वो है? ये निमित्त निमित्त एक संबंध है कि उसके आने का काल और उधर पुण्य प्रकृति के परिणमन का काल एक है, इसलिए कहते हैं कि इसके निमित्त से आई, उसने लाया ऐसा नहीं है। ये टोडर मल्ली साहब कहना चाह रहे, वो स्वयं उस रूप परिणमित नहीं हुआ, पुण्य के परमाणु स्वयं स्वर्ण रूप परिणमित नहीं हुए, वो तो कारमाण वर्गण है, उसका परिणमन तो उधर उस रूप हुआ। यह है बात। नहीं, वो तो पहले कह दिया कि उसके अनुवाद के अनुसार कार्य बने, कार्य बनता तो अपने आप है, स्वयं हुए, लेकिन अनुवाद के अनुसार से बनता है, लेकिन कर्म जाके नहीं करते, क्योंकि अपन इंडिविजुअल कर्म में जाके बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर्म में, तो कर्म का तो परिणमन हो रहा है। किस रूप परिणमन हो रहा है? कि उसके जो परिणमन हो रहा है, अपन ने उसको एक नाम दे दिया, उदय, उदय रूप परिणमन, असल में तो दरेक समय उसका परिणमन हो रहा है। सत्ता के रूप में बाहर ऐसा संबंध नहीं था निमित्त निमित्तिक, उदय के रूप में ऐसा संबंध है तो इधर से डिनोट करा, लेकिन उसमें तो परिणमन का काम चल रहा है। ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका फार्मूला ये है कि खाद देने से फल ज्यादा आते हैं। ओके, पक्का इस पे आप बिल्कुल फिक्स हो? पक्का है ना? अब ज्यादा खाद देने से पेड़ जलता है कि नहीं जलता है? नहीं, अभी 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 आप एक जगह खड़े रहो, एक जगह खड़े रहो, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न खड़ा करूंगा। फिर सभी फल, सभी पेड़ में एक जैसी खाद देने पे एक जैसे फल आते हैं? फिर तो फिर खाद का क्या काम हुआ? एक तरफ तो बोलते हो जल भी जाता है, एक तरफ बोलते हो कि अलग अलग आते हैं, एक ही आदमी खाद दे रहा है, तोल के दो आप, क्वांटिटी एक जैसी, एक क्लाइमेट में रखो, फिर निमित्त की उपस्थिति नहीं होती है ऐसा तो कहीं है ही नहीं, ये बात है ही नहीं। कोई निमित्त की उपस्थिति को नकारे तो वो तो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन निमित्त से होना माने वो भी मिथ्या दृष्टि है। बात पकड़ में आ रही है ना? निमित्त होता ही नहीं है ऐसा कोई नकार है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। पूरा पूरा आगम भरा हुआ है निमित्त की कथन से, सब न्यारी न्यारी होती है। अब नीचे से अगर आप एक जैसा खाद दे रहे हो तो सब फल एक, अभी बहुत सारे प्रश्न है मेरे कजावत साहब। है मालिक बस वहां खड़ा है, ज्ञाता दृष्टा है, और कुछ नहीं है। और अगर मिथ्या अहंकार से भरा हुआ है तो उस पेड़ का मालिक मानेगा आपने, उसका कर्ता मानेगा, वो तो परिणमन स्वतंत्र है उसका। अरे कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं? स्वतंत्र व्यवस्था की, ये टोडरमली साहब ने यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है ना, स्वतंत्र व्यवस्था, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बराबर चलाया है और वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था भी यहां पर बराबर कही है, एक भी पक्ष को ढीला नहीं छोड़ा है टोडरमली साहब, डिनोय नहीं करा है कि भाई कुछ भी काम हो जाता है ऐसा नहीं, कर्म की शक्ति के अनुसार काम होता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को डिनोट करा है। स्वयमेव काम होता है तो वहां वस्तु की स्वतंत्रता है, वो अपने आप होता है, कर्म जाके नहीं कराते। बात पकड़ में आ गई? हाँ, आप निरंतर अभ्यास करोगे तो आपको बात पकड़ में आएगी। क्या क्या इस पंचम काल में कुंद कुंद के हृदय को खोलने का काम गुरुदेव जी ने करा है? बिल्कुल, कोई भी पक्ष का आग्रह रख के मत सुनो। आप क्या कुंद कुंद कह रहे हैं और उन्होंने क्या खुलासा करा है, छोड़ो बाकी सब सब मैटर, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या काम करा है उन्होंने। इनके रहस्य को इस समय में समझाने का, ये तो सही टोडरमली साहब का तो 200-250 वर्ष पुराना, उन्होंने भी तो वो कि वही आधार है, वही बात है, कुछ नया नहीं है इसमें, वो तो उनके समय की बात भी नहीं है, ये तो पहले की बात है। लेकिन
यहाँ तो खुद टोरे मंदिर साहब ने हवाला दिया है कि मैंने किस आधार से लिखा है ग्रंथ, वो हवाला है, उनके पास भी हवाला है कि मैं किस हवाले से वस्तु व्यवस्था बता रहा हूं। मैं वस्तु की स्वतंत्रता का हवाला है, क्रमबद्ध पर्याय का हवाला है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का हवाला है कि भाई आचार्य महाराज कहते हैं। मजेदार बात तो यह है कजावत साहब कि वो जिस संप्रदाय में पैदा हुआ है वहां तो निमित्त को कर्ता मान के ही चल रहा था कार्यक्रम, ऐसे संप्रदाय के ऐसे ग्रंथ और ऐसे गुरु सब मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी योग्यता से सही माल निकाल लिया और अपने पास तो पहले से ही सही है, पैदा ही थी, और फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। अपने पास तो माल सही है ना पहले से ही, लेकिन ठीक है वो आग्रह पड़ा हुआ है हमारे पास। और एक बात मैं बता दूं, पूर्वाग्रह से अगर जो जीव ग्रसित है वो लौकिक में भी परेशान है और पारलौकिक में भी परेशान है। अभी जैसे मैं आपको कहता हूं, जैसे अजीत भाई साहब को वहां दुकान पे मेरे को सामान लेने जाना, मैं कहूंगा अजीत भाई साहब को यार वो आदमी चीटर है ध्यान रखना, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो अब वो मान लो सही भी चीज दे रहा होगा ना मुकेश जी भाई साहब, तो वो एक माथे पे लोड हो गया उसके, क्यों अपना उसने अपनी ताकत तो सब समाप्त कर दी सोचने समझने की कि भाई क्या है क्या नहीं है, उसको ये पूर्वाग्रह कि उन्होंने कहा ये सही नहीं है ओके, तो हर चीज में उसको ये डाउट रहेगा। अपनी बुद्धि को तो उसने एक तरफ रख दिया। जगत में ऐसा होता है ना, किसी के भी जीव के संबंध में आप पहले से ये मान लो कि ये ऐसा है तो ये वो परेशान है, वो हमेशा उस एंगल से सोचेगा, अपनी बुद्धि को बिल्कुल एक तरफ रख देगा। और अपने पास पावर ही अपनी बुद्धि है, आप बिल्कुल निर्णय करो, उसमें क्या दिक्कत है। पक्ष को छोड़कर निर्णय करो, संप्रदाय को छोड़कर निर्णय करो आप कि क्या बात सही है, वस्तु व्यवस्था क्या है। स्वतंत्र परिणमन परद्रव्य का दरेक समय अपनी योग्यता से होता है, यह बात नक्की है, ठीक है। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, वो बात यहां बता रहे हैं कि कर्म के अनुभाग के अनुसार बाहर में कार्य बनता है, ओके, ठीक है। काम होता अपने आप है, कर्म जाके नहीं करते हैं, वो कर्म जाके सोने को लाए और घर में यहां लाके छोड़े और इतने समय तक तू रहना फिर वापस हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। स्वर्ण का परिणमन अपनी योग्यता से, कर्म का वहां परिणमन अपनी योग्यता से, दोनों का एक काल होना और उसके अनुसार होना, ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बस इतना यह समझना। चले आगे देखो, ये बात कही, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या संबंध है? अब इसमें दो चीज बात कही है, उदय काल आने पर कार्य बनता है, एक तो टाइम भी डिनोट करा उन्होंने और एक कितना मिलता है वो भी डिनोट करा। निमित्त नैमित्तिक संबंध टाइम भी डिनोट करा कि उदय काल आए तब, और कितना मिलता है कि उनके अनुभाग के अनुसार, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आई बात समझ कजावत साहब, क्या क्या चीज यहां पकड़ी टोटल भाई साहब ने, समय भी पकड़ा और कितना मिलेगा वो भी पकड़ा। देखो कैसे पकड़ा, अनुभाग के अनुसार कार्य बने और उदय काल आने पर ही कार्य बने। मिल गई पंक्ति आपको बराबर, गड़बड़ तो नहीं है, हो गया? चले आगे, पूछू तो नहीं मैं क्या क्या समझ में आ गया आपको? अरे हाँ जी ना जी है, चले आगे, विषय कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप है ना अभ्यास करेंगे तो पकड़ में आएगा। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, बस निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना ही है कि उधर कर्म का परिणमन होता है, उसकी शक्ति के अनुसार बाहर में सामग्री स्वयमेव आती है, उधर उसका उदय काल होता है तब यह सामग्री आती है, बस इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ है, जिस समय सामग्री आ गई, उसके अनंतर समय में, अनंतर समय में अने समय में अंतर नहीं है, है ना, उसी इधर फल आया और उधर जो परमाणु है उसकी ताकत समाप्त, अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुवाद शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है, फिर वो कर्म नहीं है। भले वो उस डेले में रहे भैया, जैसे 1000 परमाणु आए उदय में और बाहर फल मिल गया तो वो 1000 परमाणु तो कर्मत्व से बाहर हो गए, है ना। हाँ,
कर्मत्व पने का अभाव हो गया, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। ठीक है, फिर वो तो ताकत ही खत्म हो गई, तो अब वो खेल पुद्गल का है, वहां कोई कर्म वाली बात रही नहीं। इस प्रकार की निर्जरा का नाम सविपाक निर्जरा है, मतलब फल देकर छिड़ना है ना, सविपाक निर्जरा, और ये संसारी समस्त जीवों के होती है, ये भी बात बोल दी। अब भैया अविपाक निर्जरा की तो बात यहां कही नहीं, लेकिन अविपाक निर्जरा क्या होती है ये बताओ आप। मजेदार बात तो यह है, देखो अभी अभी सविपाक निर्जरा तो अपन ने समझ ली, एक तरफ तो कर्म का उदय कारक और एक तरफ है ये फल। फल में दो कैटेगरी पकड़ रहा, एक फल तो आएगा जीव में और तो एक आएगा संयोग में। ठीक है, ओके। इधर तो इस कर्म का उदय काल और इधर फल है ना, इधर फल इधर आ गया और इधर कर्मत्व पना नाश हो गया। ओके, इस प्रकार की निर्जरा को कह दिया सविपाक निर्जरा। अब कजावा साहब अविपाक निर्जरा क्या होती है? नहीं, वो तो आप दोबारा भावना बोल रहे हैं, वो समझाने के लिए। अब तो यहाँ यहाँ की पिक्चर हो, जैसे एक माली वो पाल में पकाता आम को समय पहले, वो अभी तो यहाँ के एंगल से बताओ, यहाँ के है तो अब वो फल नहीं है तो कैसे होगा, कैसे होगा मुकेश भाई साहब? अभी तो इसके अनुभाग शक्ति पड़ी हुई है, ठीक है, इसका उदय आया तो यहाँ फल हुआ। ओके, ये तो कह दिया आपने सविपाक निर्जरा, ये तो जगत में सब जीवों के है, सबके होती है। ठीक है, अब और ये कुछ कार्यकारी भी नहीं है, ऐसा एंगल भी है ना, कुछ कार्यकारी भी नहीं, उसमें क्या दम है? वो तो सभी के होती है, निगोदिया के भी हो रही है और अपने भी हो रही है, उसमें क्या दम है? ठीक है, तो दम किसमें है फिर? दम किसमें है कजाव साहब? दम किसमें है? दम तो ये है कि ये अपनी योग्यता से जीव क्या परिणमित होवे, कैसे कि इसके अनुवाद शक्ति का यहां कोई इफेक्ट नहीं होवे, तभी तो अविपाक निर्जरा है। और फल आ जावे तो फिर तो सविपाक निर्जरा है। इसका मतलब है कि जीव में पावर है, तभी तो दो प्रकार की निर्जरा कही। अगर ऐसा ही नियम है कि कर्म है और यहां इसको करना ही पड़े डिग्री टू डिग्री, तो फिर तो निर्जरा ही एक तरह की होनी चाहिए, दो तरह की क्यों? अरे नाम तो सुना है ना आपने, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। यदि ऐसा नियम हो, क्या नियम हो कि कर्म का उदय उदय होए और इस जीव को करना ही करना पड़े, ठीक, ऐसा नियम हो जाए तो फिर तो एक ही निर्जरा चलेगी हमेशा। नहीं समझ में आएगा जवाब? नहीं, क्या बात, आपके चेहरे से कंफ्यूज। भाई सविपाक निर्जरा मतलब क्या कि इधर इसका उदय काल आया, इधर फल देकर ये परिणमित हो गया, इसकी शक्ति के अनुसार यहां फल हुआ। फल दो प्रकार के हैं, यहां दो प्रकार के कर्म का बंटवारा, घात्या और अघात्या। अघात्या का फल संयोगों में मिलता है, घात्या का फल यहां जीव में पड़ता है। अब ये यहां ये कहना है कि इधर घात्या कर्म का यदि उदय आवे और जीव का उस रूप परिणमन हो गया, क्रोध रूप परिणमन हो गया, तो ये हो गया सविपाक निर्जरा। अभी इधर तो हो उदय मान लो और इधर ये क्रोध रूप परिणमित नहीं हो गए तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां रहा? नहीं तो रहा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, वो भी है। अभी देखना बहुत मजेदार मिस्ट्री है, क्या है इसके अंदर कि यदि जीव इसको फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, कर्म के अनुवाद के अनुसार अपने रूप परिणमित होता है तो हो गई सविपाक निर्जरा, और जीव उसको फॉलो नहीं करे तो कर्म उसको फॉलो करता है। आई बात समझ में क्या भैया? बात समझना क्या आप समझना? अगर आप इधर मिथ्यात्व रूप परिणमित हुए स्वयं तो इधर मिथ्यात्व नाम के कर्म की प्रकृति का उदय है। आपने अपने पुरुषार्थ से सम्यक रूप
परिणमित हुए, तो इधर ये क्या होगा कि इसका उत्सव हो जाएगा, इधर क्षयोत्सव हो जाएगा, ये इसको फॉलो करेगा। जब ये फॉलो करे और ये उस रूप परिणमित नहीं हुए तो वो हो गई आपकी अभिपाद में। पावर है आपके पास, आई बात। अगर एक ही तरफ चले तो फिर ये संसार से बाहर निकलेगा, नहीं आई समझ में? कजाव साहब भाई, हमेशा ऐसे ही चले कि कर्म के उदय में इसको करना ही पड़े तो ये जीव मोक्ष में कैसे जाए, ये बताओ। मैंने जीव सुखी कैसे हो, क्योंकि ये तो फार्मूला है, कर्म के उदय में ऐसा करना पड़े और फिर इसके निमित्त से ये तो पूरा एक चक्र भी बन गया, इस चक्र से निकले कैसे बाहर? पावर कितनी है हमारे पास? इसका मतलब है क्या नियम है कि उधर कर्म का उदय होए और आपको नियम से दुखी होना ही पड़े, आपको नियम से अज्ञानी रहना ही पड़े, आपको नियम से मिथ्या रूप परिणमित होना ही पड़े, ऐसा नियम नहीं है। यदि आप उस रूप परिणमित होते हो, कर्म को फॉलो करते हो तो कर्म का, और आप उस समय अपने पुरुषार्थ से अगर कैसे अपना स्वाभाविक परिणमन करते हो तो इधर कर्म की सीक्वेंस चेंज होती है, ये फॉलो करने लग जाता है। इसको कहते हैं अविपाक निर्णय, भागता है। आपने ताकत से पकाया है ना उसको, फल को एक्स्ट्रा गर्म करके घास डाल के टप्पर डाल के, बाकी तो वो वहां पेड़ में पकता जो पकता ही, ठीक है? तो आपने क्या करा, ये बाहर का पुरुषार्थ का। ऐसे ही जीव स्वयं अपनी योग्यता से अपने स्वरूप का निर्णय करे, अपने स्वरूप में रमे जमे, तो इधर इधर ये जो इसकी जो है ना, ये सब शक्ति भाई साहब खल्लास। अनुभाग का क्या हुआ, इसके अनुभाग का क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, खत्म। तो उसको बोल देते अविपाक निर्जरा, फल नहीं दिया और चला गया है? हाँ, किसकी ताकत से नहीं आया? जीव स्वयं चाहे तो। हमेशा अपना पावर को ऊर्ध्व रखना। जब जब भी मैं दुखी होता हूं तब तब मेरे अज्ञान से, और मैं उसी समय यदि सुखी होना चाहता हूं तो मेरे में पावर है। कर्म का रोना नहीं रोना, दो तरह के एंगल है। ऐसा भी कहा जाता है कर्म बलवान है, और ऐसा भी कहा जाता है कर्म बेचारे कौन है। ये क्या चक्कर है महाराज, एक चीज बता दो, उसमें ताकत है कि वो कमजोर है, है? क्या बोलो क्या उसका? ये तो दो तरह की बातें नहीं आती, पढ़ी नहीं आपने? है कर्म बेचारे कौन है, और एक कहता है कर्म बहुत बलवान है। अपन अभी पढ़ के आए ना रत्नकरण श्राव के चार्ज में, है चंद्रपुर भगवान की जो पूजन है रामचंद्र जी ने लिखी है उसकी जयमाला में दोनों बातें, दोनों बातें है। अभी ये क्या चक्कर, बलवान कैसे है? बलवान कब है? जब आप कमजोर पड़ो तो वो बलवान है, और जब आप पावरफुल हो तो उसमें क्या दम है? नहीं कितने क्या जाओ साहब, ये है बात दोनों जगह है। आप कमजोर पड़ो मतलब आप उसको फॉलो करो, उसका अनुसरण करो, उससे जुड़ो तो वो बलवान है, फिर तो वो नचाएगा, और आप जम जाओ तो वो नाचेगा। काम कितना सरल है संजय जी भाई साहब, काम सरल है ना? तो अब अपने को कर्म की तरफ से गीत नहीं गाने, अरे ऐसा उदय है, ऐसा उदय है, ऐसे पाप बांधे, छोड़ो। अभी पावर है हमारे पास, क्या पावर है? वस्तु स्वरूप के निर्णय करने की हमारे में सामर्थ्य है कि नहीं, बोलो कब है? है जब दर्शन मोहनी का जब उपशम होगा। अरे छोड़ो, उसको कभी भी नहीं होगा, सम्यक दर्शन उसको कभी नहीं होगा। तो किसके आधार से सम्यक दर्शन चाह रहा है कि कर्म का उधर उपशम होगा तब? वो तो होगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही, कठिन तो नहीं होगी? आज नए नए बहुत लोग हैं, उनको लग रहा होगा ये क्या कहानी चल रही, समय भी हो गया है। बात पकड़ में आई ना? अब पावर है इस जीव की, क्या पावर है मुकेश जी भाई साहब? जब चाहे जब वो सुखी हो सकता है, इतनी पावर है, क्योंकि वो सुख स्वरूप ही है, सुख से बना हुआ है, सुख भरा हुआ है लबालब, उसको खबर नहीं है। दुख आपका स्वभाव नहीं है, वो तो अपन के क्या है ना, अभी क्या है? औदयिक भाव है, औपाधिक भाव है, क्या है वो? स्वभाव भाव नहीं है। कह रहे हो साहब के आए ना अपन अभी है? मोह के उदय में क्या होता है?
कि जो जीव का स्वभाव नहीं है उसकी पर्याय में प्रगटता रहती है मोह के उदय में। प्रॉब्लम तो यही है ना, बाकी तो ज्ञान ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय में जो उसका स्वभाव है वो पूर्ण वहां प्रकट नहीं होता, लेकिन मोहनी में तो उल्टा ही है। मोहनी में तो जो इसका स्वभाव नहीं है उसके विपरीत उसकी पर्याय में प्रकटता रहती, वही है दुख। कैसे मिटे, कौन मिटे जीव का दुख, कौन मिटे, कैसे मिटे, कौन मिटेगा? पार्श्वनाथ भगवान के शांतिनाथ भगवान वो बता रहे हैं ना कि आप मिट सकते हो, पावर है आप है? तो अब किधर की तरफ से नहीं डरना है अपने को, पूर्व में कुछ भी किया हो पास्ट का अभी छोड़ दो, सत्ता में क्या हुआ उसका वो उत्कर्षण हुआ आपकर्षण छोड़ो, आज हमारे पास पावर है। क्या अभी हम संगी पंचेंद्री हैं, पंच परमेश्वरी भगवान हमारे उत्कृष्ट निमित्त हैं, जिनवाणी माता की चरणों में है और आत्मकल्याण की भावना से हम बिल्कुल लबाव, एकमात्र मुझे आत्मकल्याण करने की भावना है, तो वस्तु स्वरूप के निर्णय में अपने उपयोग को लगा दो, काम खत्म, बाहर की सब व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगी, छोड़ो उसको। ठीक है सर, विशेष चर्चा।